गुड मॉर्निंग हंग्री? बहुत तेज भूख लगा। लिसन टू मी, आई नो यू आर वेरी हंग्री, ओके? एंड मम्मा इज गेटिंग योर मिल्क। वंस मम्मा हैज द मिल्क विल फीड यू एट द पीक ऑफ हंगर। सो हैप्पी टू गेट द मिल्क। नो फ्राउनिंग, नो एंगर। लेट्स हैव अ वेरी नाइस डे टुडे। दूध पिया और सो गए मस्ती से बिल्कुल। टेकिंग सम सनलाइट इन द ब्यूटिफुल मॉर्निंग, लुकिंग सो प्रीटी। तो आज है 21st of November और अभी मैं उठी हूँ। 2 घंटे की मुझे नींद मिल गई और ऐसे लग रहा है पता नहीं जन्नत मिल गई हो। और अब मैं खा रही हूँ अपना नाश्ता विच इज़ दलिया एंड लॉट्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स जो नानी ने मेरे लिए बनाए हैं। और आज का दिन अब शुरू करेंगे इस होप के साथ कि आज शायद थोड़ा सा ब्रेस्ट मिल्क आ जाए। बहुत हल्का हल्का आना स्टार्ट हुआ है बट थोड़ा और बढ़े। वैसे सब कह रहे हैं कि मतलब 3-4 दिन में बढ़ जाता है, तो लेट्स सी, उसका होप है। और बस अच्छी सी धूप ले रहे हैं बेबी एंड हम भी इंजॉय कर रहे हैं। तो तुम ब्रेस्ट मिल्क को स्टार्ट करने के लिए या बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हो अभी? बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, कुछ होम रेमेडीज़ कर रहे हैं। और जैसे डॉक्टर ने बोला है कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक ग्रैनुल्स होते हैं जिसमें शतावरी होता है किसी भी ब्रांड का, आप वो स्टार्ट करो। साथ में जीरा पानी कर रहे हैं, अजवाइन पानी कर रहे हैं और बहुत सारा दूध ले रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? हाँ, भुना हुआ जीरा, वो तो हॉस्पिटल से स्टार्ट कर दिया था, भुना हुआ जीरा लेके ऊपर से दूध पीना, वो कर रहे हैं। तो काफ़ी कुछ कर रहे हैं और थोड़ी प्रोग्रेस भी है बट कम है अभी, बट इट्स ओके। डॉक्टर ने बोला जितना भी अभी ड्रॉप्स भी अगर उसको मिल जाए तो भी बहुत है। दैट्स आवर ब्यूटीफुल सन, आई विल बी स्लीपिंग विद हिम नाउ। जब भी पाके कबीर के साथ सो जाऊंगा, ओनली इफ ही हग्स मी, बिकॉज I don't know whether he's gonna hug me or not. क्या करना है हमें बाबू? बेबी रो रहा है, उसको फीड करते हैं। अभी हंगरी नहीं है? हाँ ठीक है भैया दे रहे हैं, भैया दे रहे हैं। और अब ऐसे पकड़ना है, नीचे से होल्ड करो। हाँ बहुत सॉफ्टली, कब ऐसे थोड़ा स्ट्रेट, ठीक है ऐसे जाना उसके माउथ में, ये पोजीशन है। सो नाइस, फोकस फोकस में, जस्ट कीप लुकिंग। व्हेन आई वाज फीडिंग आई वाज नॉट टॉकिंग टू एनीवन, डोंट टॉक टू एनीबॉडी। ओ रे वाह वाह, आई एम थोड़ा सा, दैट वाज सच अ नाइस स्वीट बर्ब। डैडी तो बेस्ट बर्ब्स कराते हैं भाई। चलो थोड़ा और पी लो। सो गाइस, बेबी को सौरभ से फीड लेना इतना पसंद है कि वो सौरभ की ना फिंगर, लुक एट दैट, नॉट लीविंग सौरभ फिंगर ओनली एंड सो कंफर्टेबल। मुझे ये देख के इतना कबीर की याद आ रही है क्योंकि कबीर के टाइम पे भी ऐसे ही होता था। सौरभ और कबीर का जो फीडिंग मोमेंट्स होते थे या जो बर्पिंग के मोमेंट्स होते थे वो इतने प्यारे होते थे ना, और मुझे बस ऐसा लग रहा है कि पूरा एक हिस्ट्री ना रिक्रिएट कर रही है अपने आप को। That is so nice. Some sneezes happening. कर लो। आज इतनी धूप ली उसने, like since 7:30 in the morning till about 11 हम धूप में पैर करके सो रहे थे और हमें इतना मजा आया कि पूछो ही मत, बहुत comfortable। अच्छा बेबी जितनी देर सोया उतनी देर मैं भी अलग रूम में जाके कबीर को पकड़ के झप्पी पाके सो गया। हाँ, he was very happy। कबीर 10 o'clock उठ के आया, कहता है मम्मा मैं सोता नानी के साथ हूँ, उठता डैडी के साथ हूँ, ऐसा कैसे? Somebody is looking so happy in Bhaiya's godi, hai na? And that is Bhaiya taking care of the little baby so nicely. Daddy, when baby is with us, baby is not opening eyes. But when baby is with Bhaiya, look how both of them are super chilled out. I think they both are in Goa right now. Are you guys? Yeah, they are absolutely relaxed. Yeah, look at that. क्योंकि बेबी ने ना मैक्सिमम जिसकी वॉइस सुनी है ना वो कबीर की वॉइस सुनी है। हाँ, कबीर की वैसे voice? भी और नॉर्मली बात करते हुए भी। और कबीर को ही सबसे ज्यादा कबीर की आवाज पे किक किया है। हाँ। बेबी फॉर भैया प्लीज किक, बेबी फॉर भैया प्लीज किस। थैंक गॉड नहीं बोला बेबी फॉर भैया प्लीज पंच, नहीं तो मम्मा के टमी का क्या होता।
सो फर्स्ट और सेकंड बेबी डिलीवरी में ये डिफरेंस है, फर्स्ट बेबी जब कबीर सोता था तो बैकग्राउंड नॉइज में कुछ नहीं होता था, बिल्कुल साइलेंस होता था, और अब जब सेकंड बेबी आया तो बैकग्राउंड नॉइज में शिनचैन चल रहा है, माइनक्राफ्ट चल रहा है, क्या चल रहा है, माइनक्राफ्ट चल रहा है बैकग्राउंड में, माइनक्राफ्ट चल रहा है। सो गाइस इट इज टाइम फॉर फर्स्ट स्पॉन्ज बर्थ ऑफ आवर बेबी। ओके कबीर वांट्स टू शो अस समथिंग न्यू दैट ही हैज लर्नड। ओ माय गॉड दिस इज समथिंग ही डिड व्हेन मामा डैडा वर इन द हॉस्पिटल। यू नो दिस इज सच अ गुड लंग्स एक्सरसाइज आल्सो एंड मामा इज वेरी वेरी फीलिंग शेमफुल टू टेल यू दैट आई डोंट नो हाउ टू ब्लो अ बलून। एंड लुक एट दिस, डैडी ने क्या किया, डैडी ने हाफ रोम्पर का नीचे का पार्ट जो था वो काट दिया, क्योंकि नीचे के पार्ट के साथ जब ऊपर फुल रोम्पर पहना रहे थे तो थोड़ा सा ऐसे लग रहा था अनकंफर्टेबल है बेबी के लिए। तो डैडी ने कहा ये कर देते हैं, इससे क्या होगा एक हाफ यू नो वो इनर बंडी टाइप बन जाएगा एंड बेबी विल बी कम्फर्टेबल। एंड वो नानी बैठी हुई है बेबी को लेके एंड अब शुरू करते हैं द फर्स्ट स्पॉन्ज। बिल्कुल काम डाउन बाबू, नथिंग हैज हैपेंड, यू आर वेयरिंग अ टी-शर्ट नाउ, भैयास टी-शर्ट, यू आर वेयरिंग भैयास टी-शर्ट। बेबी इज सुपर रिलैक्स्ड आफ्टर अ नाइस स्पॉन्ज बाथ एंड द बेबी इज बीइंग स्वॉडल्ड बाय डैडी। आज फर्स्ट स्पॉन्ज हुआ, द डेट टुडे इज 21st ऑफ नवंबर, इट्स अ संडे, और फर्स्ट स्पॉन्ज किया हमने घर पे। Obviously the baby cried a lot. Swaddle करके कपड़े change करके swaddle करके लेटा दिया, feed भी कर लिया baby ने, and मतलब बिल्कुल relaxed sleep है। We are hoping कि भाई दो घंटा जो है वो बिल्कुल relaxed sleep जो है वो कर ले। Guys I'm sure आप लोग पूछेंगे कि ये pillow और ये swaddle कहाँ से आया है। So this pillow and this swaddle both are from Plum Bunny. और इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। दिस इज़ अ बैम्बू स्वॉडल विच इज़ 100% बैम्बू मटेरियल एंड दिस इज़ अ बेबी पिलो विच इज़ गुड इनफ फ्रॉम 0 to 12 मंथ्स बेबी। और ये मस्टर्ड सीड पिलो है इसलिए ये परफेक्ट है हेडशेप के लिए। एवरीबडी स्लीपिंग व्हेन द बेबी इज स्लीपिंग। कबीर योर स्लीप टाइम इज डन, लेट्स गो एंड प्ले सम, बिकॉज़ यू नो व्हाट आई एम गोना डिस्ट्रॉय या Let's go. We will see. Let's go, buddy. Come on. Kabir, what is the meaning of replacing? Then tell me. Suppose there's a crack over here. Okay, there is, yes. And so they take this out. This tile. Yeah, this tile out. Okay. And put a new one. Put a new one. Yeah. Okay, without then. Without the crack. Without the crack, okay. So that is called replacing. That's called replacing. Yeah. So basically you replaced one cracked tile with a one new tile. Yeah. Who taught you that? But who taught you the word replacing? Beautiful flowers. Wow, Kabir. I planted Kabir. These. You planted these flowers? Yeah. Now I will show you the back. Show me. Wow. So what is so special about these flowers? Can you tell your viewers? When they grow, They will be flower trees. There will be flower trees. Oh, they will be the pyaas ka sri. Oh boy, she's smiling and yawning also. Look. Isko daddy ki godi dekho kitni achhi lagti hai. My god. Kha jana hai isko. Daddy. Usko bhook lagi hai dekho. Bahut tez. No. Pee kara hoga. Tabhi jab bhi pee karti hai to halka sa roti hai khud hi so jati hai. Okay. To wo abhi diaper mein pata chal jayega. But aaj pehla sponge hua hai. Acha. Asar dekh sakte ho. Bilkul sponge ka definitely asar hai. स्पंज बाथ से भी और हल्का सा मॉइस्चराइज भी किया था, उसका असर है। हाँ आज फेस उतना रेड नहीं है, कल तो बहुत ज्यादा रेड था, बिल्कुल। हो सकता है उन्होंने नॉर्मल गीला करके ना सोप से वॉश कर दिया होगा। और ये ब्लैंकेट कितना अच्छा लग रहा है जो बुआ ने दिया है। इट्स लुकिंग वेरी नाइस एंड यू आर आल्सो लुकिंग वेरी नाइस। आई थिंक जो हमने रोम्पर को कट किया ना उससे भी थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट मुझे बेटर लग रहा है, क्योंकि कल से आज की क्लोदिंग हमने चेंज करी है लेयरिंग। कल हमने फ्लीस बनाया हुआ था पूरा दिन, आज हमने कॉटन रखा है और नीचे एक लेयरिंग करके ऊपर ब्लैंकेट ये डाला है। कल हमने हाफ
वेस्ट भी बनाई हुई थी वुलन वेस्ट, तो वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, ज्यादा हो गया था। स्किन पे भी रेडनेस थी, बट वो ये है कि बेबी के साथ आपको धीरे धीरे ही समझ आता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं सूट कर रहा है, बिकॉज अभी ना टेम्परेचर बड़ा वियर्ड है, शाम को थोड़ी ठंड है, दिन में बहुत गर्मी है, सो उस वजह से, और रात को मेरे ख्याल से ज्यादा प्रोटेक्शन करना पड़ेगा क्योंकि किसी भी टाइम पे ठंड जो है वो ज्यादा पड़ सकती है। बट यू आर राइट, और मेरे ख्याल से वो जो छोटा रोम्पर था ना उसकी वजह से पैर भी अटक रहे थे, क्योंकि डायपर जो है वो उस रोम्पर को और टाइट कर रहा था। हाँ नहीं, वैसे भी तुम दाल रोटी तो तुम्हें पसंद है ही, दाल में मुझे लग रहा है कि काफी घी भी डाला हुआ है, एक्स्ट्रा डाला है बिना नहीं, और लौकी में भी घी डाला हुआ है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सब कुछ। और मैंने शाम को पालक का सूप भी पिया था, वो बहुत यमी था। अच्छा, नानी को हमने टास्क दिया है कि जब भी आप मेरे लिए चीजें बनाओगे तो आप सौरभ को बुला लेना ताकि हम सब रिकॉर्ड करके अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर सके, क्योंकि ये शुरू के 5-6 दिन में ना बहुत सारी चीजें लेना जरूरी है, बिल्कुल, कि चीजें अंदर बॉडी की हीलिंग भी हो सके और मिल्क प्रोडक्शन भी और न्यूट्रिशन भी जा सके, बिल्कुल, बिकॉज मम्मा को भी रिकवर करना है तभी बेबी को अच्छे से। तो ठीक है, मैंने मम्मी को बोल दिया है कि जितने भी अभी रिकवरी वाले होम रेमेडीज वो कर रही है वो मैं उनके साथ रिकॉर्ड करूंगा, और रिकॉर्ड करके व्हेनेवर यू फील कंफर्टेबल यू कैन शेयर इट विद एवरीबॉडी। और ये मेरे कब्बू का खाना है, थोड़ा सा चिकन रोस्टेड साथ में पीस पुलाव, और उसको आजकल ना प्याज का बड़ा शौक चढ़ा है कि भाई नमक और नींबू डाल के प्याज दे दो। गेट अप डार्लिंग, योर फूड इज हियर, गेट अप गेट अप गेट अप गेट अप। काफी सुकून है घर के अंदर क्योंकि बहुत ही शांत एटमोसफेयर हो गया है, स्पेशली इस रूम में। रात के ऑलमोस्ट 11 बज रहे हैं और कबीर अगले रूम में नानू नानी के साथ स्लीप करने जा रहा है, और मैं और मानसी इस रूम में बेबी के साथ हैं। और बेबी जो है आज दिन में, मतलब पहली बार हमें लगा आफ्टर गेटिंग डिस्चार्ज कि थोड़ा बहुत पैटर्न और रूटीन जो है वो समझ में आ रहा है, क्योंकि बेबी ऑलमोस्ट एवरी 2 आवर बेबी इज़ गेटिंग अप एंड इज़ टेकिंग द फीड, देन वी आर बर्पिंग, एंड देन आफ्टर दैट स्लीपिंग फॉर लाइक 2 आवर्स, और यही रूटीन जो है वो ऑलमोस्ट चल रहा है। कल की रात जो थी वो काफ़ी स्लीपलेस थी क्योंकि इस रूटीन के साथ साथ बेबी डिड नॉट स्लीप प्रॉपरली लास्ट नाइट, बट कंसिडरिंग इट वॉज द फर्स्ट नाइट एट होम तो शायद हो सकता है कि भाई हम भी ठीक से समझ नहीं पाए या फिर बेबी को भी टाइम लगा एक काम डाउन होने में और सारी चीज़ें करने में। और एक और चीज़ जो नोटिस करी कि हॉस्पिटल में हमें लग रहा है कि जब बेबी को क्लीन व्लीन किया था तो कोई सोप वगैरह या कुछ ऐसा यूज़ किया था जो थोड़ा सा हार्श होगा बेबी के स्किन में, एंड विच इज़ अंडरस्टैंडेबल क्योंकि हॉस्पिटल का पर्पज़ होता है कि बिल्कुल ही डिसइंफेक्टेंट कर दें, बट स्किन के ऊपर वो हो सकता है कि केमिकल थोड़ा हार्श लगे, एंड दैट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस एंड वी अंडरस्टैंड, बट शायद स्किन में भी थोड़ी रेडनेस और थोड़ी रैश टाइप बोल सकते हैं तो थोड़ा सा लग रहा होगा बेबी को, उसके लिए भी प्रॉब्लम। तो आज हमने जब स्पंज करा और क्रीम वगैरह लगाया, फेस क्रीम लगाया, तो आज बेबी की रेडनेस भी चली गई है, फेस से भी बॉडी से भी, एंड द बेबी इज़ मोर काम। बट रात कैसे होने वाली है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आज रात जो है वो मैं व्लॉग में थोड़ा कैप्चर करने की कोशिश करूँगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग था लास्ट नाइट भी, हम लोग बिल्कुल सोने की कोशिश कर रहे हैं, हालत ख़राब हो रही है और अचानक से बेबी उठ रहा है और हम भी उठ रहे हैं, तो बिल्कुल कबीर के टाइम पे भी जो रातें होती थी वो दोबारा स्टार्ट हो गई हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, और कबीर के पूरे ग्रोथ की मेमोरीज जो है वो फ्लैश हो रही है हमारे सामने, तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो आज रात को देखते हैं क्या होता है।